ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या के विषय में बताऊंगी। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। विवाहित स्त्रियाँ अपने अखंड सुहाग के लिए घर में सुख शांति समृद्धि और घर में बरकत बनी रहे, अन्न धन की कमी ना रहे, इसीलिए सोमवती अमावस्या की पूजा और व्रत करती हैं। इस दिन कुछ लोग तो पूरा दिन व्रत रखती हैं, कुछ महिलाएं तो, और कुछ महिलाएं पूजा के बाद व्रत खोल लेते हैं, यानी कि खाना खा लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और इस दिन पीपल के पेड़ के 108 परिक्रमाएं की जाती है। तो अब हम विस्तार से जान लेते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के किस प्रकार से हमें पूजा करनी होती है सोमवती अमावस्या के दिन। तो सुबह सुबह हमें सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह हमें स्नान आदि कर लेना है और स्नान आदि करने के बाद हमें पीपल के वृक्ष के पास हमें जाना है। अगर आपके आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है मंदिर में तो अवश्य होगा ही, तो उसके नीचे बैठ करके हमें सबसे पहले पीपल वृक्ष को जल से सींचना है। अब जैसे वहाँ पर हम बैठे, थोड़ी सी हमें जमीन पर जल के छींटे लगा करके जमीन को भी शुद्धिकरण करना है। इसके बाद हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे और स्वास्तिक पर थोड़े से चावल रख कर दिया जलाएंगे। एक बात और, दिया आप सोमवती अमावस्या के दिन एक दिन पहले आप बना ले, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन रुई को हाथ नहीं लगाते। तो दिया लगाने के बाद अब हम तिलक करेंगे, हल्दी से हम तिलक करेंगे, पीपल के वृक्ष को हम तिलक करेंगे, दिए को करेंगे और स्वयं खुद को भी हम तिलक लगाएंगे। फिर हम चावल समर्पित करेंगे, फिर हम वस्त्र के रूप में अगर हमारे पास कलावा है तो कलावा समर्पित करेंगे, नहीं तो कोई चुनरी है या फिर कोई कपड़ा है तो उसे समर्पित करेंगे। वस्त्र समर्पित करने के बाद अब हम पुष्प समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे और सोमवती अमावस्या की पूजा सुहाग के लिए की जाती है, इसलिए श्रृंगार की चाहे दो चीजें ही क्यों ना हो आप सुहाग सामग्री अवश्य चढ़ाएं। तो माता गोरा के लिए सुहाग सामग्री आप अवश्य ही चढ़ाएंगे। इसके साथ ही हम खाने के लिए कोई भी 108 चीजें लेनी है हमें, तो हमने जो 108 चीजें ली है तो उनमें जैसे टॉफी, बिस्किट, फल, मिठाई कोई भी हम चीजें ले सकते हैं। तो अब हमें जो इनको है, सबसे पहले तो जो चीजें हमने 108 चीजें ली है तो उनको हमें मिनसना है, यानी कि हाथ और जो हाथ में पल्लू लेकर के जल लेकर दो बार हमें इन पर से वारना है। तो इस प्रकार से हम इनको मिनस देते हैं और फिर उसके बाद से हमें कथा सुननी है और कथा सुनने के बाद हमें कथा सुनने के लिए हमें हाथ में कुछ चावल लेने हैं या फिर अगर आपके पास फूल है तो आप फूल ले लेने हैं। दाहिने हाथ में लेकर के हमें कथा सुननी है। उसके बाद हम जब हमारी कथा समाप्त हो जाती है तो हमें पुष्प और जो चावल लिए हैं उनको हमें पीपल के वृक्ष में समर्पित करना है और फिर हमें परिक्रमा करनी है। परिक्रमा के लिए आप कलावा या कच्चा सूत्र ले सकते हैं और 108 परिक्रमाएं हमें करनी है। देखिए अगर आप 108 परिक्रमाएं नहीं कर पा रहे हैं तो आप 8 परिक्रमा तो अवश्य ही करें। कहा जाता है कि हमें परिक्रमा बहुत ही जरूरी होती है इसमें। और एक बात, जहां से हमने परिक्रमा शुरू की है वहीं पर हमें हमारी परिक्रमा पूर्ण करनी है। तो इस प्रकार से परिक्रमा के बाद हमें आरती करनी है। तो दिन में 5 दिया जो हमने लिया है उससे हमें 5 या 7 बार घुमा करके हमें आरती करनी है। फिर हमें हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे और मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमें प्रार्थना करेंगे। और अगर आपको पीपल का वृक्ष देखिए नहीं भी मिल रहा है तो आप तुलसी जी के वृक्ष की आप पूजा करेंगे। और जैसे हमने पीपल के वृक्ष की पूजा की है उसी विधि से ही आप तुलसी जी के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। और अंत में आपको इतना ही कहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए उपयोगी है वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमः शिवाय।